देखो, आज हम सीखने वाले हैं प्रीपोजिशंस। जिस तरह से अगर हमें किसी भी शय की अगर उसे जगह बतानी है हमें कि वो कहाँ पर है, उसके लिए हम उर्दू जबान में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसके बाजू में, उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके अंदर, इस तरीके के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना। तो इसी तरीके के लफ्ज जो है अंग्रेजी जबान में भी है, जैसे इन, ऑन, अंडर, नियर, बिसाइड, देन बिहाइंड और बिटवीन, ऐसे जो लफ्ज हैं अंग्रेजी जबान में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके लिए? किसी भी जो चीज़ है, किसी भी शय की जो जगह होती है वो बताने के लिए। तो ये जो है ऑन, ये सेकेंड वाला है। तो ये जो है आपको बॉक्स के पीछे नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? बिहाइंड। बिहाइंड जब कोई चीज, किसी शय, जो शय पीछे है तो उसको हम बोलते हैं बिहाइंड। ये बॉक्स के नीचे है। तो अब नीचे जो लफ्ज है इसके लिए अंग्रेजी जबान में क्या है? अंडर। अंडर तो ये बॉक्स के अंडर है। ये वाला जो बॉक्स के सामने रखा हुआ है, तो सामने के लफ्ज क्या है? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ है ना, आप बोलते ना के सामने, तो ये है इन फ्रंट ऑफ। ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? ये बॉक्स के अंदर है। तो अंदर के लफ्ज क्या है? इन, अंदर यानी इन। देन ये वाला है, देखो ये जो है आपका एक बॉक्स इस साइड है, एक बॉक्स इस साइड, और बॉल बीच में एक बॉल है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? बिटवीन। बिटवीन बिटवीन यानी के दरमियान, के दरमियान दरमियान बोलते हैं ना हम लोग, कि भाई हम उसके दरमियान खड़े हुए हैं, वो चीज वहां दरमियान में रखी हुई है, बीच में। उसके बाद में आता है ये वाला, तो हम इसको क्या बोलते हैं? नियर। क्योंकि ये बाजू में रखा हुआ है ना, नजदीक है ना, बॉक्स के नजदीक है। तो दो होते हैं, देखो यहाँ पे क्या नजर दे रहा है, एक तो बॉक्स के नजदीक भी है और बॉक्स के बाजू में भी है। उसके लिए दो लफ्ज होते हैं, जो नजदीक होता है उसके लिए क्या होता है? नियर, और जो बाजू में होता है उसके लिए बिसाइड। ओके, अगर बाजू में है तो बिसाइड, और नजदीक है तो नियर। अभी देखो, जैसे कि हमने तो लफ्ज सीख लिए कि कौन कौन से लफ्ज है, बट अब हम देखेंगे जुमलों में कैसे बोलते हैं इसको, है ना। क्योंकि लफ्ज सिर्फ लफ्ज नहीं, हम जुमलों में बात करते हैं ना। तो अब इसमें से आप कोई भी रैंडम उठाओ, मेरे को बोलो, हम तो जुमले की मशक करेंगे। बताओ कौन सा है ये? ऑन नहीं है, ये अबो है। क्यों? अबो क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है थोड़ा सा, इसलिए वो अबो रहेगा। ओके ठीक है, तो अब इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? द बॉल इज अबो बॉक्स, बॉक्स द बॉल इज अबो द बॉक्स। क्या बोलेंगे? द बॉल इज द बॉल इज अबो द बॉक्स। अबाउट द बॉक्स ओके, यानी कि बॉल जो है बॉक्स के ऊपर ऊपर है। एक और निकालिए, ये क्या है? ऑन ऑन, एग्जैक्टली राइट। क्यों? क्योंकि बॉक्स के जस्ट ऊपर है, एकदम ही ऊपर है। तो इसका जुमला कैसा आएगा? क्या बनेगा जुमला? द बॉल इज द बॉल इज ऑन द बॉक्स। ऑन द बॉक्स क्या बनेगा जुमला? द द बॉल इज ऑन द बॉक्स बॉल इज ऑन द बॉक्स, राइट। एक और निकालिए अब कोई अंदर से, उसमें से। ये क्या है? अबाउट अबो नहीं है ना, अबो तो पहले चला गया ना। अभी देख सकते हो आप, बॉल जो है इसके बाजू में है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं? नियर और बिसाइड। नियर मतलब नजदीक, और बिसाइड यानी बाजू में। तो इसका जुमला क्या बनेगा? द बॉल इज द बॉल इज नियर द बॉक्स। नियर द बॉक्स और दूसरा जुमला क्या बनेगा? द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स। द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स ओके, अब एक और निकालिए। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा है? पीछे है इसके, पीछे के लिए लफ्ज क्या है? इन इन द फ्रंट ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड पीछे के लिए बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ किसके लिए? जब आगे होता है। ओके तो बिहाइंड है। तो अब इसका जुमला क्या बनेगा? द बॉल इज द बॉल इज बिहाइंड बिहाइंड आगे बिहाइंड द बॉक्स। बॉक्स ओके, पहले क्या आएगा? बॉल आएगा, बॉल, फिर बॉल इज बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। बिहाइंड द बॉक्स ओके, एक और निकालिए। अभी क्या है? अंडर। ओके तो ये जो है सही गेस किया आपने, अंडर है। ओके तो जो बॉल है बॉक्स के अंडर है। अब इसको कैसे बोलेंगे हम जुमले के अंदर? बॉक्स इन बॉल द अंडर। ओके द बॉल इज द बॉल इज अंडर द बॉक्स। अंडर द बॉक्स ओके, कि हम बॉल की बात कर रहे हैं तो बॉल पहले आएगा। द बॉल इज The ball is अंडर द बॉक्स। अंडर द बॉक्स ओके,